नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, गया में एफवा से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने जुलूस निकालकर और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ एफवा ने प्रतिवाद मार्च निकाला। रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से महिला अधिकारों की रक्षा और सामान काम के लिए सामान मजदूरी की मांग की। सभी वृद्ध और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस गया अम्बेडकर पार्क से जी बी रोड होते हुए केपी रोड होकर टावर चौक पहुंचा। एपवा महिला जिला सचिव रीता वड़वाल, बिहार राज्य रसोईया संघ की जिला अध्यक्ष शिला वर्मा, नौसाबा प्रवीण अजमेरी खातून, अंजुसा देवी, प्रतिमा कुमारी, मनु लक्ष्मी कुमारी, रीता आदि महिला नेता नेतृत्व में किया। एपवा की रीता वड़वाल ने कहा कि देश में मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुँचा रही है और आम आदमी पर महंगाई का बोझ लाद रही है, इससे लोग काफी परेशान हैं। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गया में 4 तारीख को हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को होली है, मुहर्रम है, इसलिए छुट्टी का दिन के देखते हुए हम लोग गया में 4 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह महिला दिवस खास करके हम यह देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और मार्च महीना आते ही फिर से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, इसलिए हम बढ़ती रसोई गैस की कीमत को मतलब कम करने की मांग कर रहे हैं और तत्काल 500 रुपया गैस सिलेंडर तय करने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सबसे ज्यादा कि अभी जो स्थिति है 26वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारे को रिहा कर दिया गया और उनको जिस तरह से देश में शहादत देने वाले, कुर्बानी देने वाले उन हत्यारे और बलात्कारियों को जिस तरह से माला पहना करके और मिठाई खिला करके उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, हमें आज यह मांग कर रहे हैं कि आज भी बिल्किस बानो को न्याय मिले। हम यह मांग करना चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की आजादी पर जिस तरह से आज पूरे देश में हमला हो रहा है, गायिका नेहा राठौर को गाने पर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, इसलिए नोटिस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि देश में आज भी समान काम के लिए समान वेतन नहीं है। हम मांग करना चाहते हैं कि आज जिस तरह से लगातार बड़े लोग और बड़े हो जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, इसलिए हम यह मांग करना चाहते हैं कि देश की जो आधी आबादी है, आज भी महिलाएं जिस तरह रसोई गैस में बड़ी कीमतें हैं, वो फिर से पुराने जिस देश को डिजिटल इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है, उस देश में फिर से लकड़ी पर गोईठे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो रही है। इसी अवसर पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और हम यह कहेंगे कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वो मतलब जुलूस निकालने वाले आंदोलनकारियों पर, लिखन लेखिका पर, वो जो भी मतलब मोदी भाजपा के खिलाफ बोलने वाले अभिव्यक्ति हैं, उस आजादी पर हमला हो रहा है, इसलिए इस हमले के खिलाफ में आज पूरे देश में हम लोग महिला दिवस के अवसर पर गया में भी कर रहे हैं। एपवा की जिला सचिव रीता वड़वाल।